जो श्लोक है अपना, ठीक है ठीक है। उसके बाद समम सप्त दिनम तादिन के कितने अवर्स हो गए? 56 अवर्स। तो रिसर्च आर्टिकल में ऐसे बताया कि 56 अवर तक अपने को पारद का मर्दन करना है, तब जाके पारद शुद्ध होता है। ये सब प्रोसेस अपन मैन्युअली करते हैं, ठीक है। 56 अवर तक यहाँ पे मर्दन होता है सीनियर्स के, सभी के पीजीज के, थीसिस के, प्रैक्टिकल पारद के होते हैं ऑल ओवर, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा जब हमारे चालू हो जाएंगे तो वहाँ पर, ठीक है। दोष कंचुकी वर्जय, जो सप्त कंचुकी दोष बताया है उसका वो शोधन करता है। कंचुकी यानी जो औपाधिक दोष बताया ना, सात दोष, परपटी, पाटिनी, भेदिनी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांसी, ये जो सात बताया आपको, जो पढ़ेंगे जो थेरी में होगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नागज वंगज जो बताया है योगिक योग, ठीक है, तो वो सप्त पंचुकी दोष का नाश करता है। एक एक लक्षणी नहीं वो शुद्ध भवती पारद, मतलब लक्षण की एक एक कली लेके पारद को शोधित करना है। समम सप्त दिनम समिष्टो, मतलब 60 दिन तक कंटिन्यू सम मात्रा में मर्दन करना है। दोष पंचुकी वर्जय का, मतलब जो सात पंचुकी दोष है उसका वो निर्हरण करता है, ठीक है। इसका रेफरेंस होता है पारद संहिता, ठीक है। यह पारद लिया है, ठीक है, 30 ग्राम पारद के लिए मैम ने जितना लगता है अपने को अभी लहसुन स्वरस ऐड करना है, तो कहाँ तक ऐड करना है? जब तक वो पारद पूरा डूब ना जाए, ठीक है, तभी जाके उसका मर्दन हो, ठीक है। यह है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद उसका धीरे से मर्दन करना है, और लेकिन प्रेशर से करना है। बहुत ज़्यादा अगर अपन ये करें, बहुत प्रेशर भी नहीं देना, नहीं तो पारद की जो गति बताई है, जलगति, हंस गति, धूम गति, ठीक है, उसके हिसाब से उसका लॉस हो गया। अभी अपन मर्दन कर रहे हैं तो ये एक संस्कार हो रहा है, और कंटिन्यू एक ही डिरेक्शन में मर्दन कर रहे हैं। जैसे आपको दिख रहे होंगे किसी किसी को, ये आप वीडियो ले लो तो ग्रुप पे डाल दो, ठीक है, सामने से लो। इसके जो ग्लोब्यूल्स है वो ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं अभी थोड़े थोड़े, ठीक है, जैसे जैसे मर्दन हो रहा है वैसे वैसे ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। लहसुन क्यों यूज किया है? ठीक है, वो गंधक को, जो पारद के जो मल है, जो मल है वो ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू अगर अपन मर्दन करेंगे इसका एक एक डेढ़ घंटे तक, तो ये लहसुन स्वरस जो है ना वो चिप चिप और काला बनने का हो सकता है, ठीक है, और थिक कंसिस्टेंसी, अभी लिक्विड है ना, स्वरस है तो लिक्विड कंसिस्टेंसी में, लेकिन कंटिन्यू मर्दन करने के बाद, एक घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद अगर आप देखोगे तो इसका वर्ण भी चेंज होता है। यहाँ पे जो वर्ण था लहसुन का उससे थोड़ा ब्लैकिश हो रहा है, थोड़ा कलर चेंजिंग दिख रहा है आपको, ग्रीनिश कलर का। ये शोधन प्रक्रिया में आता है, ठीक है, ये हो गया सामान्य शोधन। ये अपन करते हैं रसायन कर्म के लिए, या फिर जो औषधि कर्म के लिए यूज होता है, मेनली अपन सामान्य शोधन करके ही लेते हैं, लेकिन वो अष्टदश संस्कार बताया है। विशेष शोधन अगर उसके दो, विष दोष नाशनार्थ, वन्नी दोष नाशनार्थ, ऐसे 8 दोष बताए हैं। ये 8 दोष का अगर अपने को मतलब पारद जब रसायन कर्म के लिए यूज करना है, तब वो सभी संस्कार है अष्टदश संस्कार, वो संस्कार करने के बाद में उसका यूज करना है, ठीक है। ये अपन कर रहे हैं आज पारद का सामान्य शोधन, विशेष शोधन वो 8 संस्कारों के अंदर, ठीक है। आपण देवास्वरूप मानतो पारदाला, त्याचं तेवढंच तुम्ही मान ठेवला पाहिजे, ठीक आहे। शिवगिरी आहे चांगला क्वेश्चन विचारला की सेपरेट कसं करायचं, फायनल वर्ड जसा आपल्याला पारद आपण टाकताना बघितला मग अशी टाकतो, ठीक आहे, तसं कधी मिळणार फायनल? आता जेव्हा ते चिकट काळं होऊन जाईल, जब वो चिकना काला वर्ण का जो हो जाएगा, ठीक आहे, उसके बाद उसमें गरम पाणी आपण टाकते,
क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है, जो भारत के जो ग्लोब्यूल्स हुए, अभी जो देखे ना आपने ग्लोब्यूल्स हुए छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, वो गर्म पानी की वजह से एक हो जाता है, ठीक है, वो एक जैसे गोला बन जाता है, जैसे अपने फर्स्ट टाइम जब डाला था वैसे। और जो लहसुन का कलकल है वो तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, उसकी थिकनेस वाटर में सोल्यूबल होने के कारण मतलब वो गाढ़ा बन जाएगा। उसके बाद अपन सीरिंज जो है ना, वो सीरिंज से सेपनिफिकेशन करके, उसको मेथड बोले सेपनिफिकेशन मेथड, उससे अपन वो पानी निकालते हैं, ठीक है, उससे अपन पानी शोधन करता है। उसके बाद फिर से फ्रेश स्वरस ऐड करना है। ऐसे अपने को अगर 56 बर्तन मर्दन करना है तो एक ही स्वरस से ही नहीं कर सकते ना अपन, तो जैसे जैसे वो ब्लैकिश होते जाएगा वैसे वैसे अपने को चेंज करना है। फिर से प्रक्षालन, पहले मर्दन, फिर वो ब्लैकिश वरना, फिर प्रक्षालन करना है जल से, फिर उसके बाद फिर से अपने को नया लहसुन स्वरस उसमें ऐड करना है, फिर से वो काला हो जाएगा, फिर से गर्म जल से प्रक्षालन करना है, फिर उसको 56 आवर तक सेम प्रोसेस करने हैं। और जो फाइनल प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, जब अपने को अभी पारद मिल गया, ठीक है, अगर इसके ऊपर जलांश भी रहा तो ये एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका ये कपड़े पे चिटकता है, तो कॉटन से अपन इसको पोंछ भी सकते हैं, ठीक है, और पानी में डालने से तो वैसे भी उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, तो उसको पारद शॉवर करके प्रोसेसिंग बोलती है। कभी भी पारद शोधन के बाद एक प्रोसेस करके, दैट इज अ पारद शॉवर, सभी यूट्यूब पे जाके सर्च करो, बाकी चीज़ें देखने से अच्छा है रसशास्त्र का थोड़ा सा नॉलेज लो, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। व्हाट इज पारद शॉवर, तो मैं बता रही हूँ, मेरे पास एक मेथड है, मेथड से अंदर से पानी लिया है, पारद ये जो फल है उसको टिल्ट किया है, उससे क्या होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वो रसून का जो कल है वो उसे पानी ये पारस में उसका कलक अगर यूज करेंगे तो वो कलक में उसके जो दोष है गति बताई है, जो कलक में जो पारस जाएगा उसका जल गति कब होंगी, जब अपन प्रक्षालन करेंगे धोएंगे अब पारस, तब उसमें लॉस जो होगा। ऐसे दिखता है कि पारद के जो कण है अपने को लगता है कि हेवी है, ठीक है, तो पानी में तो लॉस नहीं होगा, लेकिन जो पारद जो शुद्ध पारद है दैट इज अ गुड, लेकिन जो अशुद्ध पारद है वो तो थोड़ा हल्का ही रहेगा, उसमें वेटवारी करेगा तो वो जल के साथ प्रक्षालन हो जाएगा, तो उसमें जो लॉस होगा दैट इज अ जल, ठीक है। धूमबत्ती मैंने बताया कि जब अपन फूटी लगाते हैं ताज में फूटी लगाएंगे तो उसमें जब लॉस होगा दैट इज अ धूम,